हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बुलेट। इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 17 मिनट से लेकर 28 मिनट्स के बीच में। ये खैर ये सीरीज़ की कहानी फोकस करती है टीना और लोलो पे। खैर बात करेंगे टीना की, तो वो एक मॉडल है और साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड है होम मिनिस्टर का बेटा सुनील, और दूसरी तरफ लोलो है जो कि एक मिशन पर है। अब वो मिशन क्या है वो तो आप लोग को ये सीरीज़ में ही देखने को मिलेगा। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब होम मिनिस्टर के बेटे सुनील का हो जाता है मर्डर, और उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज़। खैर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि पैथेटिक है। सुनने में आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये शो को देखने बैठोगे तो इसका एग्जीक्यूशन उतना ही ज़्यादा पुअर लगेगा। उसके अलावा इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ, ना ही आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पर एक्शन सीन्स अच्छे देखने को मिलेगी, ना ही आपको एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। यानी कि मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम था। हाँ, लेकिन अगर जिन लोगों को सनी लियोनी बहुत पसंद है, उसको अगर बिकनी में देखना बहुत पसंद है, तो ये शो डेफिनेटली आप लोगों के लिए। और साथ साथ यहाँ पर आपको एक ऑफर है, वो ये है कि करिश्मा तन्ना भी आपको इस शो में बिकनी में नजर आने वाली है। और अगर एडल्ट सीन की बात करो तो यहाँ पर सनी लियोन के जो रियल लाइफ हस्बैंड है डैनियल वेबर, वो हमें इस शो में एज ए कैमियो नजर आते हैं, और उन्हीं के साथ सनी लियोन के यहाँ पर एडल्ट सीन भी है। मैं क्या बोलूँ इस शो के बारे में, मेरे हिसाब से मैं इतना ही बोलूँगा कि इससे जितना हो सके दूर रहो। सिनेमेटोग्राफी की बात करूँगा तो जिस तरीके से इस शो को शूट किया है यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोकेशंस की बात करें तो यस, कुछ लोकेशंस आपको देखकर अच्छे लगते हैं, कुछ जगह पर वो लोगों ने जो ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया वो आपको साफ समझ में आता है। शो का BGM एकदम वाहियात है, और जो जो सॉन्ग्स उन लोगों ने यहाँ पर यूज़ किए वो इतने थर्ड क्लास है कि एक सेकेंड के लिए भी वो सॉन्ग्स आप लोग सुन नहीं पाओगे। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ना ही करिश्मा तन्ना ना ही सनी लियोन, दोनों के परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी दम नहीं हो। जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, चाहे वो दीपक तिजोरी क्यों ना हो, किसी का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं लगेगा। और सनी लियोन की डबिंग भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस पूरे शो में। आप लोग उन ऑडियंस में से हो जो सनी लियोन की हर एक मूवीज़ को देखते हो, तो ये डेफिनेटली आप लोग चेकआउट करो। मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना टाइम इसलिए वेस्ट करा ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का टाइम बच जाए। तो यार बस इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।